दोस्तों, आप जानते हैं मेरे हाथ में क्या है? दोस्तों, ये वो फरमान है जो आज तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कभी ऐसा भी फरमान निकल सकता है। दोस्तों, दरअसल में ये एक लिस्ट है जो लिस्ट इंडिया गठबंधन ने निकाली है। और ये लिस्ट में क्या है, आप जानकर बड़ा हैरान होंगे। ये लिस्ट में दरअसल में उन पत्रकारों के, या आप यूं कह सकते हैं उन गोदी मीडिया के, उन भ्रष्ट पत्रकारों के नाम है जिनको इंडिया गठबंधन ने बैन कर दिया है। इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता इन पत्रकारों को ना तो किसी तरह की कोई बाइट देंगे, ना कोई इंटरव्यू देंगे, ना ही इनके किसी प्रोग्राम में जाएंगे। मतलब इंडिया गठबंधन ने इन पत्रकारों को अपने इंडिया गठबंधन के अंदर इनको बैन कर दिया है। ना तो ये पत्रकार इनके पास आ सकते हैं, ना ही इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता इन पत्रकारों के किसी भी शो में जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे देश की गोदी मीडिया के ऊपर एक बहुत जोरदार तमाचा है जो शायद पिछले 17 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से महान पत्रकार है जिनका नाम इसमें दर्ज किया गया है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहला नाम है अमन चोपड़ा, उसके बाद है प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्णव गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरसिम्हा, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुषमा सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव और शिव अरोड़। दोस्तों, इन सब की फोटो आपको यहाँ दिख भी रही है, और ये वो लोग हैं जिसको इंडिया गठबंधन ने अपने इनको बैन किया है। ये लोग इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता है, ना तो इनके प्रोग्राम में जाएंगे, ना ही इनको किसी तरह का इंटरव्यू या बाइट देंगे। क्योंकि इन लोगों का कहना है, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का कहना है कि ये सभी वो पत्रकार है जो हिंदू मुस्लिम फसाद कराने में और धर्म विरोधी कह लीजिए आप इनको, ये लोग गोदी मीडिया है, फेक झूठी खबरें ये लोग फैलाते हैं। और अभी खास तौर से इनमें जो सबसे बड़े सुधीर चौधरी जी हैं, इनको तो अभी 2 दिन पहले इनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की है झूठी और फेक खबर चलाने के लिए। तो दोस्तों, ये बड़ी एक हैरानी वाली बात है और ये गोदी मीडिया के मुंह पर बड़ा ही जोरदार तमाचा है। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी शर्म वाली बात है, क्योंकि आज तक जितने भी भ्रष्ट पत्रकार हैं उनको गोदी मीडिया कहा जाता था। आज तक कभी भी किसी पत्रकार का नाम लेकर नहीं कहा गया कि ये भ्रष्ट आदमी है, परंतु इस बार इंडिया गठबंधन के लोगों ने, नेताओं ने ये लिस्ट जारी कर ये जता दिया बकायदा कि ये सभी जो पत्रकार हैं जिनके नाम दर्ज किए गए हैं इसके अंदर, ये सभी गोदी मीडिया से रिलेटेड है, ये झूठी खबरें फेक खबरें फैलाते हैं। ये अपने आप में इन सभी पत्रकारों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। तो दोस्तों, आप भी देखिए वायरल वीडियो और इस वीडियो से जुड़ी, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी लगता है कि ये जो पत्रकार हैं ये सच में भ्रष्ट हैं या सही हैं, उसके बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं।